कंबल कंबल ना कंबल रख लो रख लो सोए ओढ़ लो ओढ़ लो काय आप लोग यहां सो रहे हो ना ठीक हमको पता है रेन बसेरा मैंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बीती रात 12 बजे राजधानी पटना की सड़कों पर निकले और रात के 3 बजे तक पटना की सड़कों पर घूमते रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अस्थाई बनी रैन बसेरा को देखा और वहां रह रहे लोगों से बात भी की। उत्पात की सुविधा है यानी कुछ छत नहीं है, उसके लिए हमारी सरकार ने इस बार जो है निःशुल्क व्यवस्था आश्रम की कराई है, जहाँ बेड भी है, आपको पानी शौचालय की व्यवस्था भी है, साथ ही साथ कंबल भी दिया जाता है, सामान रखने की जगह भी मिलती है। तो ये व्यवस्था है ताकि लोग ठंड में बाहर न सोए। कई बार होता है ठंड के बाहर लोग सोते हैं तो जान चली जाती है, इतना शीतलहर दिखता है, ठंड होती है। तो जो गरीब है, जो अंतिम पैदान में समाज में जो मजदूरी करता है, सफाई करता है, जो रिक्शा चलाता है, ठेला धोता है, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे पाएँ, कम से कम रात में एक छत दे पाएँ, उनको ठंड में कंबल दे पाएँ, ये व्यवस्था होनी चाहिए। और ये हम लोगों ने किया तो यही एक बार हम लोग आकर के देखें कि भाई मुआयना किए हैं। पटना के हमारे नगर आयुक्त हैं निमेश जी, इनके साथ हम लोग आए हैं कि भाई क्या क्या व्यवस्था कराई गई है, थोड़ा हम लोगों को दिखाइए, कमी होगी तो दूर किया जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि आप देखिए अब यहाँ लोग सोए हुए हैं ब्रिज के नीचे, वो रिक्शा वाले हैं, यहाँ आप देखिएगा 5-6 बेड खाली है, लेकिन लोग आते नहीं है क्योंकि उनको डर रहता है कि उनका रिक्शा कोई लेके ना पहुँचे, क्योंकि भाड़े पे उन लोग रिक्शा लेकर के चलाते हैं और उनको चुकाना भी पड़ता है, तो किसी और की प्रॉपर्टी है तो इसलिए वो आना नहीं चाहता। अभी आपके सामने हम लोगों ने पूछा कि भाई आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, यहाँ सो जाइए, सोने की व्यवस्था है, बोला नहीं हम रिक्शे के पास हैं। तो जैसे जैसे जिसकी जो मर्जी, लेकिन हमको काम हमारा जो है कि भाई व्यवस्था करके रखना। लोग सर कंबल दिया आपने, काफी खुश थे, वहाँ पे अभी आपने निर्देश दिया है कुछ डबल स्टोरेज भी बनाया जा सकता है। नहीं, वो वाटर स्किल डेवलपमेंट या और किसी कारणवश जो है वो बंद है। हमने क्या बोला कि अगर उपयोग नहीं हो रहा तो ठंड में उन गरीबों को वहाँ बसाया जाए, और कोई डबल स्टोरी अगर बनाने का एनओसी अगर आरसीडी की चाहिए बनाया गया था। पहले काफ़ी जगह बनाए गए हैं और उसको हम लोग देखेंगे कि उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। क्या हर जगह आपने ये भी ग्रीवांसेस के लिए ग्रीवांसेस कोई आता है दूर दराज से, दूसरे जिला के लोग आते हैं, रुकने का साधन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं, अपने शिकायत परेशानी के लिए लेके आए, तो ग्रीवांसेस के लिए भी हम कह रहे हैं कि भाई जो भी ग्रीवांसेस रख ले और डिपार्टमेंट में भिजवा दिया, मेरे यहाँ भिजवा दिया।